हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका मोड स्टफ की एक और प्यारी सी वीडियो में। तो हमारी आज की वीडियो में यार हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग भी बोर हो चुके हो नॉर्मल GTA 5 खेल के, तो अब मैं आप लोगों के लिए ले गया हूँ एक और बेहतरीन सा प्यारा सा मोड जो कि आपको एक्सेस देगा कि आप लोग अपने GTA 5 में ऊबर ड्राइविंग या फिर पर्सनल ड्राइविंग मोड इंस्टॉल करके और इंजॉय कर सको। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो GTA 5 है वो लीगल कॉपी होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड, स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट DLL फाइल्स होनी चाहिए। नंबर 3, नेटिव UI होना चाहिए। और नंबर 4, मोड स्टफ चैनल यानी कि ये चैनल सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। और नंबर 5, आपका जो GTA 5 है वो मोडेड होना चाहिए। तो सारे तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। GTA 5 को कैसे मोड करें, नेटिव UI को कैसे इंस्टॉल करें, स्क्रिप्ट हुक वी और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट DLL को कैसे इंस्टॉल करें। तो इस मोड का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहां से इजीली जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं ओपन करता हूँ अपना मोड स्टफ का फोल्डर, जहाँ पे अपने सभी मोड्स को मैं रखता हूँ जो मोड्स मैं GTA 5 में इंस्टॉल करता हूँ। तो आज ये हमारा पहला मोड है जो कि मैं भी पहली बार इंस्टॉल करूंगा। तो हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये आ गया फोल्डर। इन तीनों को यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में चले जाएंगे, और वहाँ पे हम इनको पेस्ट करना है अपने स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में। तो स्क्रिप्ट्स का फोल्डर कैसे क्रिएट करना है उस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी वो। तो मैं स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में इसको कर देता हूँ पेस्ट। डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, कंटिन्यू। और ये तीनों ही फाइल यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ से करेंगे इसको रिफ्रेश और अब हम मिलते हैं आपको अपने GTA 5 में। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने GTA 5 में, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो मोड है वो कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस को निकाल लेना है, अपने नहीं GTA 5 में। तो सबसे नीचे चले जाना है और ऊबर राइड या फिर एस्कॉर्ट राइड और बॉडीगार्ड सर्विस। तो बॉडीगार्ड सर्विस के लिए हम लोग कॉल करते हैं और देखते हैं क्या बोलता है ये। इफ़ यू नीड बॉडीगार्ड सर्विस देन प्लीज़ मेक अ फ़ोन कॉल टू ऊबर राइड फर्स्ट। तो पहले आपको ऊबर राइड को पहले कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग ऊबर राइड को कॉल करते हैं पहले, और योर राइड इज़ ऑन इट्स वे। अब इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद हम एस्कॉर्ट राइड को भी करेंगे। तो एस्कॉर्ट राइड इज़ ऑन इट्स वे। और अब मैं सबसे नीचे करूँगा बॉडीगार्ड सर्विस पे, तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, बॉडीगार्ड आर ऑन द वे। तो अब हम इन सभी को कट करते हैं और आप इनका चार्ज देख सकते हो। ऊबर राइड का $50, एस्कॉर्ट राइड का $40 और इसके बाद सबसे नीचे बॉडीगार्ड सर्विस का $50। तो हम लोग बैक चले जाएंगे और अब हम लोग अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे H को, तो ये ऊबर राइड की जो कार है उसके अंदर एंटर करेगा। और अब तो हम इसका जो म्यूजिक है वो बंद नहीं कर सकते कार का। एक बार हम जी प्रेस करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग जी प्रेस करेंगे तो आई थिंक ये, हाँ अब जैसे ही जी प्रेस करोगे आप, तो ये आपकी जो सेकंड कार है जो कि है आपके, यो मैं देख लेता हूँ एक बार, एस्कॉर्ट राइड, इसकी कार में ये एंटर कर जाएगा। और बॉडीगार्ड्स हम अगर एक बार पीछे देखें तो बॉडीगार्ड्स पीछे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन मैप में शो कर रहा है। तो मैप में एक बार मैं सर्च करता हूँ तो ये मैप में जो माइकल का हाउस है उसके पास दोनों बॉडीगार्ड्स शो कर रहा है। तो हम लोग वहीं पे एक बार मार्क लगाते हैं, वे पॉइंट लगाते हैं एक बार। और एक बार अब हम प्रेस करेंगे सी।
तो सी से इसका मेनू ओपन हो जाएगा और रिफ्रेश वे पॉइंट कर दूंगा मैं। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश वे पॉइंट करूंगा ये एक बार कार को स्टॉप करेगा और फिर घुमाएगा इसको, और आप लोग देख सकते हो जो ऊबर राइड है वो कार भी वहीं जाएगी और एस्कॉर्ट राइड है वो उसके पीछे पीछे वहीं जाएगी। तो ऊबर राइड वाली कार में अगर आप एंटर करते हो तो वो हमेशा 34 की स्पीड पे रहेगा, और अगर आप लोग एस्कॉर्ट राइडर की स्पीड पे इसकी कार में रहते हो तो ये 30 से 50 के बीच में रहेगी। तो ये वेरी करता है। अब मैं वे पॉइंट दोबारा से लगा देता हूँ माइकल के हाउस पे, तो इस तरफ लगाऊंगा मैं इस बार, यहाँ नहीं, एक बार मैं अंदर लगाऊंगा और अब सी प्रेस करूँगा और रिफ्रेश वे पॉइंट करूँगा बैक। तो ये जा रहा है एक बार वहाँ पे, और मैं एक बार टी को प्रेस करके देखता हूँ कि टी को प्रेस करने से क्या होता है। तो टी को प्रेस करने से कुछ नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ यही की हमें देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं कि ये माइकल के हाउस के, हाँ माइकल के हाउस के अंदर ये एंटर कर रहा है। तो उबर राइड की जो कार थी वो पहले से एंटर हो चुकी है, और इसके बाद आपकी जो ये एस्कॉर्ट राइड की ये कार है ये भी एंटर हो चुकी है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बॉडीगार्ड्स को। तो बॉडीगार्ड्स को रिकॉल करने के लिए मैं सी प्रेस करूँगा, रिकॉल द ड्राइवर, रिकॉल द ड्राइवर करता हूँ मैं एक बार। ड्राइवर आगे है तो बॉडीगार्ड्स को रिकॉल नहीं करेगा, उसको हमें फिर से कॉल करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।